उत्तर कोरिया की हिंदू जनसंख्या कितनी है? दोस्तों, उत्तर कोरिया एक पूर्वी एशिया का सबसे खतरनाक देश है, जो अमेरिका जैसी सुपर पावर देश को हमेशा धमकाता रहता है। उत्तर कोरिया देश का एक ताकतवर नेता जिसका नाम किम जोंग उन है, ये एक तानाशाही की भांति काम करता है, जिसकी मर्जी के बगैर यहाँ के लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ पर दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर प्योंगयांग है, और इस देश की मुद्रा उत्तर कोरिया युआन है। तो वह पर उत्तर कोरिया का कुल क्षेत्रफल 1,20,540 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर कोरिया विश्व के 98वें स्थान पर आता है। दोस्तों, वर्ल्ड मीटर द्वारा मौजूदा समय में उत्तर कोरिया की कुल जनसंख्या 2,61,60,503 है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर कोरिया विश्व के 91वें स्थान पर आता है, जहाँ पर इस देश की साक्षरता 99% इतनी है, जहाँ पर हर कोई यहाँ पर पढ़ा लिखा है। जहाँ पर नॉर्थ कोरिया की GDP $40 बिलियन है, जो पूरी विश्व में 9वें स्थान पर आती है। जहाँ पर उत्तर कोरिया का नेता किम जोंग उन पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है। नॉर्थ कोरिया का लीडर होने के साथ साथ वह वहाँ के आर्मी का सुप्रीम लीडर है, जिसको यहाँ के लोग मार्शल कहते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से जुड़ा खतरनाक दिल दहलाने वाला फैक्ट यह भी है कि किम जोंग उन ने अपने चाचाओं को 120 कुत्तों के सामने डाला था। इसके चाचा का कसूर सिर्फ इतना था कि उनके चाचा इस स्पीच के बीच सो गए थे। उत्तर कोरिया में किसी दूसरे का गाना सुनना और फिल्म देखना पूरी तरीके से मनाही है। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी के घर बाइबल रखी पाई जाती है तो उसे भी फांसी की सजा देकर मार दिया जाता है। इस देश के नागरिकों के पास किसी भी प्रकार का धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं है। इनका सिर्फ एक ही भगवान है, जो कि किम जोंग उन और उसका परिवार है। दोस्तों, इस देश में आपकी मर्जी के बगैर अपने घर को कलर नहीं करवा सकते। सरकार द्वारा निर्धारित किया गया भूरा रंग का कलर पेंट करवाना पड़ता है। इस देश में सैकड़ों तरह की पाबंदियां लगा रखी हो, वहीं पर दूसरी ओर यहाँ के लोगों को नशा करने की पूरी आजादी है। इस देश में वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरीके से मनाई है। यह देश अमेरिका को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। इससे जुड़ी सभी प्रकार की चीजों को यहाँ पर पाबंदी रखी गई है। दोस्तों, उत्तर कोरिया से जुड़े एक और दिल दहलाने वाली बात यह भी है कि अगर इस देश के नागरिकों से किसी भी प्रकार का गुनाह हो जाता है तो उसकी सजा उस व्यक्ति के अलावा उसके आने वाले 3 पुश्तों को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इस देश के आर्मी की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया के पास 1.2 मिलियन सोल्जर मौजूद है। इनका मानना है कि इनकी आर्मी अमेरिका की आर्मी से 5 गुना सक्षम है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का कोई भी नागरिक बाहर के देश जाकर नहीं रह सकता। उसे अपने देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती और उसे बाहर जाने का वीजा भी नहीं मिलता। उत्तर कोरिया में सेना में भर्ती होना अनिवार्य है, जिसके तहत पुरुषों को 10 वर्ष और महिलाओं को 7 वर्ष तक सेना में सेवा करनी पड़ती है। दोस्तों, उत्तर कोरिया की आधिकारिक रूप से कोई भी धार्मिक जनसंख्या प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन हम कुछ वेबसाइट के मुताबिक ली गई जानकारी के अनुसार उत्तर कोरिया की हिंदू जनसंख्या के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाले बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबाएगा, ताकि ऐसी जानकारी वाली वीडियो हम आपके पास सबसे पहले लाते रहे। तो यहाँ पर दोस्तों, उत्तर कोरिया की मौजूदा समय में कुल जनसंख्या 2,61,60,503 है, जिसमें नास्तिक लोगों की आबादी काफ़ी अधिक है। जहाँ पर उत्तर कोरिया में नास्तिक आबादी 1,98,33,503 है, जो उत्तर कोरिया का 96.3% आता है। तो वह पर ईसाई आबादी 4,11,900 इतनी है, जो उत्तर कोरिया का 2% आता है, जबकि बौद्ध आबादी 3,08,900 इतनी है, जो उत्तर कोरिया का 1.5% आता है, जिसमें मुस्लिम आबादी 3,000 इतनी है, जो उत्तर कोरिया का 0.01% आता है। तो यहाँ पर दोस्तों, उत्तर कोरिया में हिंदू जनसंख्या 3,000 इतनी है, जो उत्तर कोरिया का 0.01% आता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में उत्तर कोरिया की हिंदू आबादी के बारे में बताया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाले बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबाएगा, ताकि ऐसी जानकारी वाले वीडियो हम आपके पास सबसे पहले लाते रहे। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच अगर युद्ध होता है तो कौन सा देश किस देश पर भारी पड़ेगा? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में।